हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ इंडियन रसोई। आज हम वैलेंटाइंस डे के लिए एक और चॉकलेट रेसिपी बनाएंगे, जिसमें हम मीठे पान की फिलिंग करेंगे। ये बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस है और आप इसे वैलेंटाइन के अलावा कोई भी त्योहारों जैसे दिवाली और होली पे भी बना सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं मीठा पान से भरी हुई चॉकलेट। सबसे पहले हम मीठे पान की स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोल में आधा कप नारियल का भूरा लेना है, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसमें एक चौथाई कप टूटी फूटी और चॉकलेट चिप्स लेने हैं मिक्स करके। आप चाहे तो सिर्फ टूटी फूटी भी डाल सकते हैं। और एक छोटी चम्मच मुखवास लेनी है, जो रेडीमेड मिलती है, या फिर सिर्फ सौंफ भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लच्छा सुपारी और चार कलकत्ती पान बारीक चॉप करके। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए दो बड़े चम्मच गुलुकन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर बाइंडिंग ना आए तो आप आधा बड़ा चम्मच जितना गुलुकन और डाल सकते हैं। इस स्टफिंग को 4-5 मिनट रखने से भी ये अपना पानी छोड़ेगा और बाइंडिंग अच्छे से आएगी। मीठे पान की स्टफिंग तैयार है। अब यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसे माइक्रोवेव में हाई पावर पे मेल्ट करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए और ये चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे है। मिक्स कर लेना है और जरूरत लगे तो इसे फिर से माइक्रोवेव करेंगे। मैं चॉकलेट को 30 सेकेंड्स के लिए और माइक्रोवेव कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करने पर ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। मेल्टेड चॉकलेट को 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और चॉकलेट बनाने के लिए मैंने एक डीप मोल्ड लिया है। ध्यान रखना है कि इसके लिए आप कोई भी शेप लीजिए, लेकिन वो थोड़ा डीप होना चाहिए क्योंकि हम इसमें स्टफिंग करेंगे। मोल्ड को टिश्यू पेपर से एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इससे चॉकलेट में शाइन बहुत अच्छी आती है। और एकदम थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट लेकर हम मोल्ड में डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से बेस पे और चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे ताकि एक पतला लेयर क्रिएट हो जाए। सभी मोल्ड इसी तरह से भर के तैयार कर लेने हैं और फिर इसे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए सेट होने देंगे। चॉकलेट एकदम अच्छे से सेट हो गई है। अब इस चॉकलेट की कैविटी में हम जो हमने स्टफिंग तैयार की थी मीठे पान की, वो थोड़ी थोड़ी भर लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा ही भरना है। थोड़ी सी जगह रखनी है ऊपर से ताकि हम इस पे और चॉकलेट डाल के इसे कवर कर सके। मीठे पान की फिलिंग भर के तैयार कर लेना है और ऊपर से मेल्टेड मिल्क चॉकलेट डालकर कवर कर लेना है। अगर चॉकलेट सेट हो गई हो तो इसे फिर से 10-20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेनी है पहले। अब इस मोल्ड को हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने देंगे और आधे घंटे के बाद इसे फ्रिज में से निकाल लेना है। चॉकलेट को डीमोल्ड करने के लिए मोल्ड को एक प्लेट पे उल्टा करना है
और हल्का सा टैप करने पर ये इजीली मोल्ड को छोड़ देगी। और एक शार्प नाइफ की मदद से जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है चॉकलेट का उसे ट्रिम कर लेना है। तो तैयार है मीठे पान की फिलिंग वाली होममेड चॉकलेट। तो इस वैलेंटाइन आप ये घर पे बनी हुई मीठे पान की स्टफिंग वाली चॉकलेट ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।